अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आदमी मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था।
वो कभी भारत नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट योगा एज ए पावरफुल एजेंट ऑफ ग्लोबल गुड। योगा हेल्प्स अस लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट बैगेज ऑफ द पास्ट। इट कनेक्ट्स अस विद आवर सेल्फ एंड अवर डीपेस्ट फीलिंग्स। इट ब्रिंग्स अबाउट वननेस ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सॉल। योगा हेल्प्स अस रियलाइज दैट अवर वेलफेयर इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। व्हेन वी आर पीसफुल विद हिम, वी कैन ऑल्सो मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन मैंने कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है,
जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर है, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the common yoga protocol. Now I request Dr. Kashinath Sangani, director.